हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल एंड स्मार्ट। छोटे पर्दे पर 33 साल बाद दोबारा प्रसारित हुई रामायण ने दुनिया में सर्वाधिक देखे जाने वाले धारावाहिक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दूरदर्शन के अनुसार धारावाहिक की 16 अप्रैल को प्रसारित हुई कड़ी ने दर्शकों के मामले में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस दिन इसे 7.7 करोड़ लोगों ने देखा। रामानंद सागर की रामायण में अभिनेत्री दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी ने क्रमशः माँ सीता, श्रीराम और लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। नए कीर्तिमान के बारे में दूरदर्शन चैनल के आधिकारिक अकाउंट से एक ट्वीट में कहा गया कि दुनिया भर में रिकॉर्ड व्यूअरशिप के साथ रामायण 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन शो बन गया। रामायण ने दर्शकों के मामले में लोकप्रिय टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पछाड़ दिया, इसलिए 16 अप्रैल को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। इस दिन रामायण में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण मारने के बाद का घटनाक्रम दिखाया गया था, जिसमें हनुमान विभीषण के कहने पर लंका में जाकर वैद्य को बुलाकर लाते हैं और वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाते हैं। साथ ही लक्ष्मण के उपचार वाला दृश्य भी इसी दिन दिखाया गया था। 33 साल बाद प्रसारण रामायण के बाद उत्तर रामायण को भी दर्शकों से काफी प्यार मिला, जिसकी अंतिम कड़ी 2 मई को प्रसारित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद दूरदर्शन नेशनल चैनल ने करीब 3 दशक बाद दोबारा रामायण का प्रसारण शुरू किया था।